बुढ़ापा किसी भी इंसान के जीवन की वो सच्चाई है जिसे सभी लोगों को स्वीकार करना पड़ता है। जो भी इंसान दुनिया में आता है उसे बुढ़ापे में कदम रखना ही पड़ता है, लेकिन यही बुढ़ापा अभिशाप बन जाए तो जो कष्ट होता है उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। दुनिया में हम आए हैं तो कुछ काम कर चलें, शुभ कर्म करें और अपना नाम कर चलें। हम भी बुजुर्ग होंगे एक दिन, ये सोचकर हम अपने बुजुर्गों का हाथ थाम कर चलें। आगरा की प्रसिद्ध कवित्री डॉक्टर शशि तिवारी ने शायद रामलाल वृद्ध आश्रम जैसी किसी संस्था को ध्यान में रखकर ही इन पंक्तियों की रचना की होगी, जिन्हें इस वर्ष के DLA Honours 2019 सोशल एक्टिविस्ट ऑफ द ईयर के अवार्ड से नवाजा जा रहा है। वृद्धावस्था को लेकर समाज में आई विकृति सबके सामने है। ऐसे असंख्य लोग हैं जिनके काम करने में अशक्त होने के बाद उनके अपनों ने ही उन्हें ठुकरा दिया। जिन बच्चों के पेट भरने के लिए ऐसे लोगों ने अपने दिन रात एक कर दिए थे, उन्हीं बच्चों पर अपने माता पिता के लिए 2 जून की रोटी भारी पड़ने लगी। अपनों द्वारा ठुकराए गए ऐसे ही बुजुर्ग माता पिता की सेवा में खुद को समर्पित करने वाले शिव प्रसाद शर्मा ने रामलाल वृद्ध आश्रम एवं गौशाला की शुरुआत कर अपने पिता स्वर्गीय बीरीलाल सारस्वत के सपने को आगे बढ़ाया। घटना 2004 की है, जब सारस्वत जी अचनेरा स्टेशन पर अपनी गाड़ी के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर एक वृद्ध को रोते देखा। पूछने पर पता चला कि बच्चों ने उन्हें घर से निकाल दिया है। भावुक हृदय सारस्वत जी उन्हें अपने घर लाना चाहते थे। वो उनके लिए टिकट खरीदने गए। लौटकर आए तो उन्होंने वृद्ध को वहां नहीं देखा। पता चला कि ट्रेन आने पर ये बुजुर्ग उसके आगे कूद गए और अपनी जिंदगी खत्म कर ली। इस घटना ने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया। घर लौटकर उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि वो नहीं चाहते हैं कि कोई व्यक्ति इस तरह असमय ही मौत को गले लगा ले। यहीं से इस वृद्ध आश्रम की शुरुआत की कल्पना की गई। बीरीलाल जी ने अपने पिता स्वर्गीय रामलाल सरस्वत के नाम पर अपने नोहरे में 2006 में रामलाल वृद्ध आश्रम की स्थापना की। उनका साथ छोटे बेटे विष्णु शर्मा ने बखूबी दिया, लेकिन ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। 24 वर्ष की अल्प आयु में ही विष्णु नहाते समय यमुना में डूब गए। ये परिवार पर वज्रपात था, लेकिन दुख की इस घड़ी में सपने को आगे बढ़ाने के लिए शिव प्रसाद शर्मा आगे आ गए। शिव प्रसाद शर्मा ने सपने को साकार कर दिखाया। प्रमुख शायर बशीर बद्र कहते हैं, कहां अब दुआओं की बरकतें, वो नसीहतें, वो हिदायतें, ये जरूरतों का खुलूस है या मतलबों का सलाम है। वास्तव में आज इस दुनिया में लोगों के सलाम में भी मतलब ही छुपा रहता है, लेकिन कैलाश मंदिर के पास सिकंदरा में स्थित रामलाल वृद्ध आश्रम ने सभी पीड़ित माता पिता को अपनापन और स्नेहमयी सेवाएं उपलब्ध कराकर इस सोच को भी छोटा कर दिया है। आधुनिक सुविधाओं से युक्त और जन सहयोग से संचालित इस वृद्ध आश्रम में सभी बुजुर्गों के रहने के साथ ही खाने पीने, कपड़ा, उपचार के साथ साथ शिक्षा की निशुल्क व्यवस्था है। संत सुंदरदास सेवा समिति द्वारा संचालित रामलाल वृद्ध आश्रम एक ऐसा सेवा मंदिर है जहां सेवा को पूजा एवं मानव सेवा को ईश्वर माना जाता है। सेवा को उपकार नहीं, दायित्व समझा जाता है। शिव प्रसाद शर्मा कहते हैं कि उनके पिताजी चाहते थे कि किसी और व्यक्ति को अपनों द्वारा ठुकराए जाने के बाद आत्महत्या नहीं करनी पड़े। इसी उद्देश्य को लेकर इस सेवा आश्रम का संचालन किया जाता है, ताकि सभी बुजुर्गों को जरूरत की हर वस्तु के साथ मान सम्मान भी मिले। इसमें ऐसे आश्रयहीन पीड़ितों को अपनाया जाता है जो जीवन के अंतिम पड़ाव पर हैं। यही कारण है कि इस आश्रम में आज भी 250 से अधिक वृद्ध सहज जीवन यापन कर रहे हैं। यहाँ प्रति माह लगभग 30 बाबा दादी आते हैं। आश्रम की ये भी कोशिश होती है कि वो ऐसे बुजुर्गों का उनके परिजनों से समझौता करा दे। इसमें कभी कभी पुलिस की भी मदद ली जाती है, लेकिन समझौता नहीं हो पाने की स्थिति में उन्हें आश्रम में ही शरण दी जाती है। शिव प्रसाद शर्मा कहते हैं कि अभी तक इस आश्रम ने करीब 3000 बुजुर्गों का परिजनों के साथ समझौता कराया है। बुजुर्गों की सेवा में समर्पित इस आश्रम को अब तक इतने प्रमाण पत्र मिल चुके हैं कि उन सबका जिक्र करना भी संभव नहीं है। तभी यहाँ आने वाले शख्स गुनगुनाते हैं
कि तमाम रिश्तों को मैं घर में छोड़ आया था, फिर इसके बाद मुझे कोई अजनबी ना मिला। यहाँ आने वाले सभी शख्स बिना किसी रिश्ते के भी घर की तरह मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ कोई भी अजनबी नहीं है, सभी अपने हैं। समाज सेवा को समर्पित इस संस्था को डीएलए परिवार का साधुवाद।